आरा में अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने पर शराब माफियाओं ने एक पेट्रोल पंप मालिक के बेटे समेत दो लोगों को गोली मार कर जख्मी कर दिया, जबकि इन माफियाओं ने दो अन्य लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। जहां इस घटना के बाद घायल सभी चारों लोगों को इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घटना नवादा थाना क्षेत्र के बहिरो मोहल्ले में शनिवार के बीते देर रात बताई जा रही है। इधर गोलीबारी के इस घटना के बाद जख्मी के परिजन आक्रोशित हो गए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मौके पर जमकर हंगामा भी किया, जबकि खूनी वारदात की सूचना मिलते ही आरा सदर SDPO परिचय कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुँच पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसके साथ ही पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाते हुए स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। शराब माफियाओं द्वारा की गई फायरिंग के दौरान घायलों में नवादा थाना क्षेत्र के बहिरो मोहल्ला निवासी अशोक सिंह के 26 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार हैं, जिनके पिता पेट्रोल पंप के मालिक है, जबकि दूसरा घायल उसी मोहल्ले के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह के 23 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार सिंह है। इसके अलावा मारपीट में घायल हुए आदर्श उर्फ छोटू सिंह और देवेंद्र सिंह हैं, जो बहिरो मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। इस घटना में घायल सभी चार लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोलीबारी में घायल हुए युवक अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि बहिरो मोहल्ले के ही रहने वाले नामजद लोगों द्वारा हम लोगों के घर के पास अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था, जिसको लेकर हम लोगों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद इन लोगों के द्वारा हमारे मोहल्ले के ही लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिसका लिखित आवेदन स्थानीय नवादा थाना में दिया गया था, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका परिणाम हुआ कि आज फिर वही नामजद लोगों के द्वारा हथियार के साथ अचानक आ धमके और हम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें हमें और हमारे मोहल्ले के ही एक भतीजा अर्जुन कुमार सिंह को गोली लग गई और वह लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं इस दौरान मारपीट में घायल हुए देवेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से मोहल्ले के कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार हमारे घर के आसपास में रहकर कर रहे थे। कई बार हम लोग समझाए भी, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे, जिसको लेकर हमने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस बात के विरोध में आज करीब 5 से 6 की संख्या में नामजद हथियारबंद बदमाश आए और अंधाधुंध फायरिंग और मारपीट शुरू कर दिया, जिसमें हमको और एक लड़के को हल्की चोट लगी है। बड़ू दारू बेचा था, देसी दारू बना था घर के आगे। आप लोग घर के आगे? नहीं, जहाँ मैंने बाबू साहेब 5 घर है, 10 घर है हम लोग, वहीं पे आके ये सब बांध चोट दारू बांध रहा है। तो उसके विरोध में एक बड़े भाई हैं गांव के ही, उनको मारा पीटा सब। हम वहाँ पे बैठे थे तो वो बुलाया कि इधर आओ, तो हम गए। जाने के बाद 2-4-5 संख्या में आया लोग और अंधाधुंध गोली चलाने लगे। जाते जाते गोली चलने का स्टार्ट हो गया है, उसके बाद पीठ में, छाती में, कहीं कितने लोगों को गोली लगाया? अभी हमको तो हम ही को मालूम है। वो अर्जुन है, उसको कहाँ पे लगाया नहीं मालूम है। अच्छा, ये कल भी विवाद हुआ था? ये कल उनको मारा था सब। हाँ, केस भी हुआ था क्या? केस FIR हुआ है। हाँ, लेकिन प्रशासन के कमी, प्रशासन बहुत लापरवाह है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार सिंह। मारने वाला कौन कौन थे? गोलू यादव, रोशन यादव, गोलू यादव के पिता का नाम नहीं मालूम है, बैसाखी यादव का नाती है। अच्छा, उसके बाप का नाम नहीं, सुदामा यादव, इसका रोशन यादव, उसका बाप का नाम धर्मेंद्र यादव। ठीक है, ठीक है। सर, गोलीबारी हुई है, दो लोगों को गोली लगी है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं, क्या मामला है सर? जी, मामला कुछ ऐसा है कि अभी से करीब आधे घंटे पहले बहिरों में दो व्यक्तियों को गोली लगी है। ऐसा इनिशियली ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कुछ शराब का मामला था, इन्होंने शराब का रिपोर्ट किया हुआ था। शराब की रिपोर्ट के बेसिस पे पुलिस ने कार्रवाई करी थी, पुलिस वहाँ जाके छापा मारी थी। तो ये सुनने में आ रहा है कि इस बात के विरोध में कि ये पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया गया है, आपस में विवाद हुआ है और उसमें ही गोली चली है और दो युवक को गोली लगी है। पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है और ऑलरेडी जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी में लग गए।
पे शराब बेचने को लेकर विवाद हुआ है? अभी तक तो यही निकल कर आ रहा है कि शराब बेचने का विरोध करने को लेकर विवाद हुआ है, और उसमें इसके पहले पुलिस ने कार्रवाई करी थी। पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया गया, पुलिस ने कार्रवाई क्यों करी, इसको लेकर और ज़्यादा विवाद हुआ है ऐसा सुनने में आ रहा है। बट अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो एक बार जब सारे तथ्य निकल कर आएंगे उसके बाद आपको हम क्लियरली बता पाएंगे। पेशेंट की हालत क्या है सर? अभी तक जो सूचना मिली है कि दो लोगों को गोली लगी है, दो लोगों का इलाज चल रहा है, हालत स्टेबल बताई जा रही है, बट अभी कुछ भी ज़्यादा कमेंट करना मुश्किल है। कुछ और लोगों को भी चोटें लगी है? अभी तक तो जो आया निकल के उसमें तो सिर्फ दो व्यक्तियों को गोली लगी। मैंने गोली मारने वाले शराब माफिया ही है। अगर वो शराब बेचते जैसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो फिर शराब से इसका संबंध जरूर होगा। शाम को 8:30 बजे ये लोग घर के बगल में कल है वहाँ पर शराब बेच के पैकिंग कर रहे थे। शराब के लोग शुरू से बेचते हैं, लेकिन वहाँ से मान के चलिए कि 20 मीटर की दूरी पर बगीचा है वहाँ बेचते थे। कल ही लोग घर के पास से बांध रहे थे, जब बोले कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, वहाँ तो बेचता ही बेचता, घर के पास पहुँच गए सर, इतना ही बोले बाहर हम ना रोक लो बका, बस इतना ही है। उसके बाद गुचार आया, क्या बांध रहा था लोग? शराब। शराब? अच्छा, शराब बना रहा था लोग। शराब पूरा बिकता है भैरों में, पूरा प्रशासन तक जानता है। सीधी सी बात, आप विरोध किए तो आपके साथ मारपीट हुआ? देखिए सामने। उसके बाद? उसके बाद 3-4 को बुला के लाया उस बगीचे से, सब वहाँ बैठा रहता है। कल FIR भी हुआ था? कल हम FIR के लिए आए थे। अच्छा। हमने 112 पर कॉल किया, 1.5 घंटा हो गया पुलिस नहीं आया, 1.5 घंटा तक पुलिस नहीं आया। लास्ट मुझे चक्कर जैसे आ रहा था, ब्लड बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, तो मैं भाई के साथ अपने एक दोस्त के साथ सदर हॉस्पिटल गया, वहाँ जा करके मैंने ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट करा करके वहीं से उन्होंने लिख दिया कि पुलिस कंप्लेंट के लिए, फिर मैं वहाँ गया, क्या बोलते हैं, थाना गया। थाना पर अरजीत जी मिले, उनको मैंने सारा बात बताया, उन्होंने कहा ठीक है FIR हम लॉन्च कर लेंगे, कल आप लिख करके सही से लेके आइए। मौखिक तौर पर हमने उनको समय दे दिया। फिर आज शाम 4 बजे करीब में हम थाना गए, हमने उनको दिया, क्योंकि शराब बिक रहा था, हमने बोल भी दिया कि शराब बेचना शुरू हो गया। इन्होंने 2 पुलिस वाले को फ़ोन किया, और जिसमें 3 लोग थे गए, तो जाते जाते ये छोड़ के तो भाग गए, लेकिन अपना जो ड्रम था सब रखे हुए थे, पुलिस उसको जब्त की, सामने है लेके गए, बस उसी का विरोध था। आज शाम फिर वहीं बैठ के दारू वाला काम कर रहा था, जो बड़ा मीठा बोला बोला होगा, गुस्सा तो था ही, तो वो लोग पकड़ाने मैंने आया आपके घर पे चढ़ के मारपीट किया लोग। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारा ये घर हुआ, वहाँ से जस्ट बगल में हमारा एक कल है, खेत है। देखिए ये लोग करता है क्या, शराब को शराब बेचता है वहाँ पे घर के बगल में, अब पोलथीन पी के खेत में फेंक देता है। मैंने शराब का पोलथीन उठाया, आदमी माहौल खराब करता है, माहौल खराब करता है, उसी का विरोध किया। तो दो लोग गोली लगी है? हाँ, दो लोग गोली। आपके साथ मारपीट हुआ और दो लोग गोली? हाँ, मेरे साथ कल मारपीट हुआ था और आज गोली गई। आज चूंकि आज पुलिस गई, कमाल जब्त किया, उसी के विरोध में आज ही सारा कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविरंजन सिंह, जिन लोगों को गोली लगा है एक का नाम अर्जुन सिंह, दूसरे का नाम अभिषेक सिंह। कहाँ घर है आप लोग का? आज देर शाम को जो है एक महोदय थाना परिवार की घटना घटी, जिसके बारे में हम लोग सूचना प्राप्त हुई कि बहिरों जो मोहल्ला है, बहिरों मोहल्ले में रहने वाले जो एक अर्जुन सिंह, जो उनके पिता अमृता सिंह है, अभिषेक सिंह है, तो उनको जो है कि लोकली कुछ लड़के थे जिनके आपस में विवाद हुआ, और विवाद के क्रम में जो है उन्होंने गोली चलाई, जिसमें से अभिषेक और अर्जुन को जो है गोली लगी। और इसमें जो हम लोगों ने प्राथमिक जो जांच की और परिजनों से जो पूछताछ की, उसमें पता चला है कि कल भी जो है ये लोग जो है शाम को जो है कुछ विवाद किए थे, और उसी विवाद के क्रम पर एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, जिसकी आलोकिक पुलिस वहाँ पर जाकर छापामारी भी की थी, और उसी छापामारी में उन लोगों ने जो परिजन बता रहे हैं कि उन लोगों को विरोध किया कि तुम पुलिस वाले को बुलाते हो, जो भी चीज़ है, फिर आगे झगड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने जो है गोली चलाई, जिससे दोनों लोगों को गोली लगी। फिलहाल यहाँ हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, सब लोग जो है इलाज में था, कोई दिक्कत नहीं, गोली निकल गई है, सेफ है, और कोई दिक्कत नहीं। हमारी टीम वहाँ पर छापामारी कर रही है, क्योंकि लोग लगभग जो है जानने सुनने वाले हैं, अच्छे हैं, इनका नाम लगभग पता चल गया है, तो टीम छापामारी कर रही है, बहुत जल्द जो है अभी इनके गिरफ्तार। जी सर।